गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 एसएससी के अंदर हमारा हिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम इस थर्ड चैप्टर जिसका नाम था ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, उसके हम प्रश्न उत्तर जो पाठ के बाद में दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है जिसके अंदर जोड़े बनाने हैं आपको। मैंने आपको ये जो स्क्रीन पे जो दिया है उसमें देखिए रैयत दिया हुआ, पहले रैयत कहते हैं किसानों को, ठीक है। महल है, महल जो ग्रामीण के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे गांवों के समूह को बोला जाता है। नीच का मतलब होता है जो बगान के मालिक अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते थे उनको नीच बोला जाता है। और रेती शब्द है, रेती रेतों की ज़मीन की पर खेती को रेती बोला जाता है, ठीक है। तो ये जोड़े मैंने बनाए हैं, दोनों के नंबर एक दूसरे से मैच किए हैं। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करेंगे, सभी आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। मैंने यहाँ हर रिक्त स्थान के अंदर उसको भरा है। यूरोप में वोड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, यानी नील से उसको आमदनी कम होती भी दिखाई दे रही थी। दूसरा है उसमें 18वीं शताब्दी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। इसके बाद में आता है जो गै है उसमें है कि किसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ रहा था। नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर कृत्रिम रंग की खोज हो गई थी जिसकी वजह से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग क्या हो रही थी उस पर बुरा असर पड़ रहा था। चंपारण आंदोलन, नील बागान मालिक जो हमारा दमन कर रहे थे, हमारे किसानों के साथ अत्याचार कर रहे थे, उनके नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो ये चारों रिक्त स्थान हमने कर लिए। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही रिक्त स्थान बनाते हुए इनको भरकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है वो है स्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलू क्या क्या है। देखिए स्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलू क्या क्या हैं, इसको मैंने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है। देखिए इसके मुख्य पहलू, इसकी सबसे बड़ी बात थी कि इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी उसमें राजा और तालुकदार जो थे उनको ही जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। फिर इन जमींदारों को ही किसानों से लगान वसूलने का और राज्य से चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया था। मतलब ये जमींदार हैं वही किसानों से लगान वसूल करेंगे और कंपनी को क्या करेंगे, राजस्व चुकाएंगे। चुकाई गई जाने वाली जो राशि थी उन्होंने वह भी स्थायी रूप से तय कर दी थी, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। ज़मीनों में निवेश करना और खेती के अंग्रेजों ने उसके लिए खेती करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया, कानून बनाया था। इस स्थाई बंदोबस्त के ये मुख्य पहलू हैं। प्रश्न नंबर चार है कि महाल वाली व्यवस्था स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से किस प्रकार से अलग थी। तो आपने भी ऊपर मैंने आपको बताया स्थाई में क्या था, सब कुछ स्थाई था और जमींदारों के रूप में राजा और तालुकदारों को मान्यता दी गई थी, वही लगान वसूल करते थे, राजस्व चुकाते थे। महाल वाली व्यवस्था के अंदर क्या था, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को चुकाने का जिम्मा जो था जमींदार की जगह किसको दे दिया गया, यानी अगर बात करें हम स्थाई बंदोबस्त में जमींदार चुकाता था और यहाँ पर गांव के मुखिया को बनाया गया था और मुखिया राजस्व इकट्ठा करता था और चुकाता था, लगान इकट्ठा करता था, यानी वहाँ पर जमींदार करता है यहाँ पर मुखिया करता था। और जो मुखिया था इसीलिए ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के मुखिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, इस व्यवस्था को महालवारी का नाम दिया गया। तो बंदोबस्ती अलग हो गई है, उसके अंदर जमींदार वसूल करते थे लगान और वह राजस्व चुकाते थे, यहाँ पर गांव का मुखिया है उसको जिम्मेदार बनाया गया, वह राजस्व इकट्ठा करेगा और कंपनी को अदा करेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं आपको बतानी है। समस्याएं क्या थी कि जब ये मुनरो व्यवस्था शुरू की गई थी तो अंग्रेजों को था कि एक स्थायी बंदोबस्त लगाएंगे तो जो पैसा बचेगा उसको वो खेती के सुधार में लगाएंगे। लेकिन समस्या क्या आई, रेतों से आशा की गई थी कि वो भूमि में सुधार करेंगे पर उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने उस पैसे को भूमि के सुधार में बिल्कुल भी नहीं लगाया। एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हुई कि राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर इतनी ऊँची रखी थी कि रेतों को उस राजस्व को चुकाने की स्थिति बिल्कुल नहीं थी, वह उस राजस्व को चुका ही नहीं पाते थे। तो दो समस्याएं महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 था, रेत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे।
क्यों कतरा रहे थे, उसमें सबसे पहला कारण था उन्हें नील की खेती के लिए क्या मिल रखा था, अग्रिम कर्ज दिया गया था। यानी सभी जो नील खेती करने वाले थे उन्होंने पहले से ही क्या ले रखा था, कर्ज ले रखा था। दूसरा है कि उन्हें जब फसल तैयार हो जाती थी तो उन्हें फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, वो भी कम दामों पर। तो वो क्यों करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं और जब फसल उगती है तो वो आपको, क्योंकि आपने कर्ज ले रखा है तो आप पे दबाव बनाते हैं और आपको कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। तीसरा था कि उनकी एक शर्त भी थी कि ज़मीन के एक पर्टिकुलर हिस्से पे, यानी 25% हिस्से पर उनको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो क्यों करेंगे, हमको नहीं करनी नील की खेती क्योंकि हमें दाम ही नहीं मिलते हैं। लेकिन उन्होंने जब कर्ज लिया, शर्तें मानी, तो ये निश्चित किया गया कि उसको निश्चित भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और चौथा कि जो नील की खेती करते थे उसमें समय भी बहुत लगता था और बहुत ज़्यादा श्रम और मजदूरी की आवश्यकता होती थी, इसलिए रेत है जो नील की खेती करने से क्या कर रहे थे, कतरा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। आपको लेसन के अंत में बताया था कि किस तरीके से नील जो थी उसका जो उत्पादक था वो एकदम से कम होता चला गया। उसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे भी बंगाल में नील उत्पादकों को जो कर्ज दिया गया था, रेतों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया न तो हम कर्ज लेंगे और न ही नील की खेती करेंगे। जब ऐसा निर्णय वो ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नील का उत्पादन घटने लग जाएगा। रेतों की उनकी फसल की जो कीमतें प्राप्त होती थी वो होती ही नहीं थी, बहुत कम प्राप्त होती थी, मजबूरन उनको अंग्रेजों को बेचना पड़ता था। तो उन्होंने बोला हमको फसल उगानी ही नहीं है। नील की खेती की ज़मीन जो होती थी जिस पर नील उगाई जाती थी उनकी जड़ें इतनी लंबी होती थी कि वो क्या करते थे, भूमि की जितनी भी उपजाऊपन होता है, उर्वरक क्षमता होती है, वो खींच लेती थी। जब एक बार नील की खेती हो जाती था तो उस पर कोई दूसरी फसल उगाने के लायक वो भूमि रहती ही नहीं थी। तीसरा कारण उत्पादन नील का कम होने का ये था। चौथा है कि नील खेती के लिए 1859 में रेतों ने बिल्कुल स्ट्रांगली मना कर दिया था और विद्रोह पर उतर आए थे। साथ ही में एक और है कि नील आयोग बनाया गया था बागान मालिकों के, उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ जांच पड़ताल की और उनको दोषी ठहराया गया और आयोग ने किसानों को ये सलाह दे दी कि वर्तमान जो अनुबंध उन्होंने कर रखा है वह तो वो पूरा करें, लेकिन आगे चाहें तो वह नील की खेती करें या ना करें ये फैसला खुद ले सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि नील की जो उत्पादन है वो पूरी तरह से बंगाल में धाराशायी हो गया था। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न रहा है, जैसे नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये पाया जाता है। नील की खेती, आपके प्रश्न आया था शॉर्ट में बीच में कि कितने प्रकार से की जाती, तो मैंने बताया था आपको दो प्रकार से, एक तो होती है निज खेती और एक होती है रेती। ठीक है, तो दोनों नाम आपको आने चाहिए। स्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने की, तो चार्ल्स कार्नवालिस ने की थी 1793 ईस्वी में बंगाल में की थी। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा महलवारी व्यवस्था किसने और कब लागू की थी, तो होल्ड मैगजी थे, उन्होंने 1822 में इसको चालू की थी। दुनिया में नील के उत्पादन कब आधा रह गया था, तो 1783 से लेके 1789 जो हमारी ईयर था इसके बीच में दुनिया में नील का उत्पादन बिल्कुल हाफ हो गया था। यहाँ पर एक प्रश्न और बना है, किताब में ही था आपकी में लेसन में, 6 राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। जैसे बंगाल में पटसन जिसको हम जूट भी कहते हैं, असम में क्या बनती है, चाय, असम के अंदर चाय के बागान होते हैं, आपको पहले भी पढ़ा होगा। उत्पादन के अंदर आपने देखा होगा चीनी मिलें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत उपजाता है, तो वहाँ की मुख्य फसल गन्ना ही है। पंजाब में हमारे गेहूँ बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, मद्रास में चावल होते हैं, और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा सूती वस्त्र मिलें हैं, तो महाराष्ट्र में कपास का पौधा होता है, वहाँ पर कपास की फसलें उगाई जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ शॉर्ट प्रश्न हैं वो भी मैंने बताया। आपकी पुस्तक में ही एक और 8वें नंबर पे प्रश्न के रूप में पूछा गया, आयोग करके देखें कि चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करें। तो मैं आपको बता दूँ चंपारण आंदोलन क्या था, नील बागान मालिकों के खिलाफ, नील खेतीहर जो मजदूर थे उनके खिलाफ जो दुर्दशा हो रही थी उसके अगस्त में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए तो उन्हें बिहार आने का न्योता दिया गया और उन्होंने जाकर गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाके उनकी दुर्दशा देखी, तो उसके खिलाफ चंपारण में उन्होंने आंदोलन शुरू किया जिसका नाम चंपारण आंदोलन किया। गांधी जी को इस चंपारण आंदोलन का विद्रोह करने के लिए जो एक सत्याग्रह टाइप चलाया था उसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और
तो ये इस आंदोलन के चलाने से हम अपने विजय भी हुए और हमारे जो नील के खेतीहर थे जो थे उनको उन्होंने बचाने में बहुत बड़ी सहायता की। अब आता है दूसरा एक और प्रश्न दिया है कि भारत में शुरुआती चाय कॉफ़ी बागानों के इतिहास को देखें, ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर नील बागानों में काम करने वाले मजदूर में क्या समानताएँ या फ़र्क था। तो बिल्कुल फ़र्क था, मैं बता दूँ आपको कि जो चाय कॉफ़ी के बागान होते थे उन पे जो मजदूर रखे जाते थे उनको पास साल भर काम रहता था और वो एक बार रख लिए जाते थे तो वो दूसरी जगह नहीं जाते थे, जबकि ये हमारे नील के कारीगर हैं तो मर्जी है तो काम करें, नहीं करें तो नहीं करें। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, आप और भी डिफरेंसेस को पता करने की कोशिश करें और उसको पूरा करें। तो आज मैंने आपको ये लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझाए हैं, आप सभी होमवर्क कॉपी में इसको नोट डाउन करें और प्रश्नों को याद करें और मुझे होमवर्क भी सेंड करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हम अगला लेसन शुरू करेंगे इसी पुस्तक का, ठीक है, धन्यवाद।